अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं दोस्तों। ये है एक सोलर पैनल 160 वाट का, तो इससे हम चलाएंगे डीसी मोटर। तो आपको बताते हैं डीसी मोटर किस तरह चलाएंगे। जनाब ये देखिए, ये हमारा है डीसी मोटर। ये देखें, इसके ऊपर तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और जनाब उसके बाद एक लाइन हमने ऊपर से नीचे उतारा है डीसी मोटर सोलर से, तो इसमें हम डीसी मोटर को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये जो लाइन है हमारा, ये अंडरग्राउंड टैंक से लाइन बाहर आया हुआ है और अंडरग्राउंड टैंक से हम पानी पर उठाएंगे, तो इसलिए सबसे पहले हम मोटर का जो पाइप है इस पाइप में लगाएंगे। ये मोटर की पाइप जो है टंकी के पाइप के साथ लगा दिया गया है। अब यह है कि अब दूसरी तरफ इसका जो है आउटपुट है, तो इसमें जो है जिसे पाइप लगाकर उसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। आदि इस वजह से पानी डाल रहे हैं इसमें, क्योंकि फर्स्ट में इसमें पानी डाला जाता है, उसके बाद जो है बाद में पानी डालने की जरूरत नहीं है। हमने पानी डाल दिया है, अब जो है जो ऊपर से सोलर का तार जो आ रहा है इसमें हम इसे कनेक्ट कर देंगे नीचे। तो आपने इसका ख्याल रखना है पानी ऊपर के ब्लेड के साथ ब्लेड को लगाना है और ब्लेड के साथ ब्लेड को लगाना है, इसका खास ख्याल रखेगा। फेंके तो बाल पहले फेंके, देखिए हमारा मोटर ऑन चुका है माशाल्लाह। देखिए बेहतरीन पानी, ज़बरदस्त पानी आ रहा है। ये 12 वोल्ट का जो हमने पैनल लगाया हुआ था, पैनल से पानी अब ये टैंकी के ऊपर बाल्टी में भर रहा है। इस वक्त जो है मौसम जो है बादल का, धूप नहीं है इस वक्त, सोलर जो है बहुत कम हमारा काम कर रहा है। धूप जब जितनी तेज धूप होने की वजह से हमारा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा पानी का, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह इस मोटर की जो है परफॉर्मेंस को, यानी कि जो है रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त है। और ये देख लें, धूप कम होने के बावजूद पानी की स्पीड बहुत बेहतर है उस हिसाब से देखा जाए तो। आप लोगों से यही कहूँगा कि सोलर प्लेट लगाइए, बिजली बचाइए, और डीसी मोटर लगाइए, बिजली का बिल कम से कम बचाइए कीजिए।